students. Today we are in the flat of our students who are studying in Vinnytsia National Medical University. So we will get to know that how they are living here, how much they are paying for this flat, and why they shifted from hostel to flat. So let's go and see their flat, okay? Hello Ayush. Hello sir. Hello Arjun. How are you? Fine sir. How are you sir? Okay. I'm also good. So, अब बात करते हैं हम कि यहाँ से फ्लैट में रह रहे हो यहाँ पर तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं कि यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए मेरे समय आपके देख रहे हो इंडियंस काफ़ी हैं तो फ्लैट में ऐसे किसी बच्चे को अगर रहना है तो पहली बात तो फ्लैट मिलता कैसे है उनको कैसे ढूंढना पड़ता है प्लस क्या इसकी कॉस्टिंग आती है उनके लिए सर मतलब नवदीप पाजी हैं उनके भाई हैं इंद्रप्रीत भैया उनसे आप अगर कांटेक्ट करते हैं मतलब अगर आपको फ्लैट लेना है क्योंकि स्टार्टिंग से आपको अगर लेना है तो आप उनसे कांटेक्ट करिए वो सही कॉस्ट हमारी कंपनी आपको हाँ कंपनी तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लेते नहीं एक्स्ट्रा चार्ज जो मतलब मेन जो कॉन्ट्रेक्टर होता है वो एक चार्ज तो लेते ऑब्वियसली लेंगे कोई भी आपके लिए काम फ्री में नहीं करेगा ठीक है तो अभी जो फ्लैट है आप देख रहे हो आपका काफी बड़ा फ्लैट है फोर लोग है फोर रूम है आपके तरफ तो आप कितने लोग रहते हो इस फ्लैट में हम पांच लोग रहते हैं इसमें पांच लोग रहते हो इसमें तो इसका क्या पेमेंट क्या करते हो मतलब जो भी मतलब $400 है मतलब फोर बीएचके की किसी को नीड नहीं है टू बीएचके में भी आप चार लोग रह सकते हैं कॉस्ट भी बहुत कम है हमें सेपरेट रूम सब कुछ चाहिए थे इसलिए फोर बीएचके हो गया कॉस्ट डिवाइड हो गया 400 बाई 5 में $80 पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो आप यूज करते हो यहाँ पर सबका अलग से पेमेंट करना पड़ता है इस सबको अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट $100 आपका ये रहता है प्लस आपका फूडिंग का फूडिंग कब हो जाता है फूडिंग $50-$40 में हो जाता होगा आराम से हो जाता है मतलब कि आप टोटल जो सर्वाइव करते 10,000 में एक बच्चा फ्लैट में आराम से रह सकता है अगर हम कंपेयर करें हॉस्टल में तो हॉस्टल जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो $500 के हैं और जो प्राइवेट है वो नियर अबाउट 900-950 के तो बात वही पड़ती है बात वही अच्छा तो ये ऐसे अपने इंडिविजुअल रूम्स हैं आपके तो इसमें आपको पढ़ाई करने के लिए भी इजी रहता है सब कुछ कि मतलब आप जितना चाहो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है पढ़ाई कर सकते हो अच्छा चलिए आपके और रूम्स देखते हैं ये आपका वॉशरूम है जी ओके तो ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं इधर वॉशिंग मशीन सारा वॉशिंग मशीन ओके वैक्यूम क्लीनर फ्रिज एवरीथिंग ये आपका मेन रूम है सर जी ये सारा कुछ आपको प्रोवाइडेड मिला हुआ है सब कुछ अच्छा इसके लिए कोई सिक्योरिटी लेते हैं ये लोग कि मतलब ऐसे आपने कुछ तोड़ दिया बच्चे बदमाश होते ही है कुछ तोड़ दिया तो फिर क्या करोगे सर सिक्योरिटी लेते हैं मतलब 2 मंथ का चार्ज लेते हैं अच्छा, पहले में कुछ भी आपने अगर ब्रेक किया तो उसमें से वो काट लेंगे उसमें से वो डिडक्ट कर देते हैं बाकी आते हैं चेक करने के लिए आते हैं 15 डेज में अच्छा क्या देखते हैं क्लीनिंग सारा क्लीनिंग व्लीनिंग देखते हैं दो बार क्लीनिंग के लिए लेडी आती है साफ अच्छा इधर प्रॉपर आती है सब कुछ साफ रहना चाहिए ठीक है किचन का है आपका किचन देखते हैं आपका अच्छा एक रूम ये भी है जी जी ओके काफी साफ रूम है इनका इसका ये अर्जुन का है अर्जुन देवा काफी साफ है अर्जुन आपका रूम ये किचन देखते हैं किचन में ये छोटी सी डाइनिंग स्पेस भी दे रखी है आपको हाँ आप सारे ये बैठ के आया खा लेते हो इधर ये सब भी आपको दे रखा है कुकिंग भी आती है फ्रिज भी आपका इधर है ओके कुकिंग कैसे करते हो खुद ही कर ले रहे हो हाँ सेल्फ कुकिंग मतलब आती है सेल्फ कुकिंग कर ले आती है धीरे धीरे सीखी है अब सब कर लेते हैं ओके चलिए रूम चलते हैं ये क्या है अच्छा ये आपका एंट्रेंस है फिर से वन कर देंगे आप बैठो बैठो तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे अपने सितंबर इंटेक में तो हॉस्टल में आएंगे ऑब्वियसली होंगे उनको स्टार्टिंग में तो नहीं हाँ। उसके बाद जैसे उनको अगर फ्लैट में आना होगा तो क्या मतलब उसकी फॉर्मेलिटी जो आपने की है यूनिवर्सिटी में क्या होता है पहले क्या करना हॉस्टल छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता होगा सर ये इम्पोर्टेंट भी है सबको मतलब ध्यान देना चाहिए इस पर अगर आप हॉस्टल छोड़ रहे हैं तो जो मेन कमांडेंट है उसे एप्लीकेशन लिख के प्रॉपर बताएं कि हम हॉस्टल छोड़ रहे हैं ये रीजन है हमारा हम अब नहीं रहने वाले तो हॉस्टल कार्ड्स वो आपके सबमिट कर देगी और वो नाम आपका मतलब अलाउ करते हैं वो एडमिशन में हॉस्टल छोड़ना अलाउ करते हैं आपको अलाउ कर देते हैं कोई प्रॉब्लम तो व्यूवर्स देखिए आपने जाना कि फ्लैट में विनीत्सा में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे फ्लैट अच्छा है वो क्यों इधर आया और क्या कॉस्टिंग पड़ रही है उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है कॉस्टिंग अगर हम कंपेयर करें तो हॉस्टल की बराबरी कॉस्टिंग है बट उनको 4 BHK फ्लैट मिल जा रहा है यहाँ पर और खुद वो रह रहे हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट यहाँ पर रह रहे हैं तो पढ़ाई भी ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से
सिक्योरिटी है कोई मसला? सिक्योरिटी भी मसला है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं सिक्योरिटी यहाँ बहुत सही है सब कुछ। अच्छा मतलब ऐसा तो नहीं कोई भी आपके फ्लैट में हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते होंगे तो इधर कोई ऐसे नहीं कोई फ्लैट में घुस जाए पेरेंट्स डरते हैं ये सब चीजों में? नहीं सर ऐसा कुछ मतलब मोस्टली कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे। जब तक आप किसी को इनवाइट नहीं करो अंदर नहीं आ सकता? कोई नहीं आ सकता। चार सेपरेट कीज है अपनी। अच्छा जिसके पास की है वही बिल्डिंग में भी वही एंट्री कर सकता है। बहुत सिक्योरिटी बहुत सही है। ओके थैंक यू आयुष। थैंक यू। ओके सर।